केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने पूछा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का जिम्मेदार कौन था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी मौत हुई थी जम्मू कश्मीर में, इस मामले को उठाते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का जिम्मेदार कौन था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को जोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साय के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। तब गोलाबारी का माहौल था, बर्फ़ के गोले से खेलने का नहीं था।